चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बस पूरा मुजफ्फरनगर, हमारा गांव तो पूरा पूरा जुड़िएगा जी, यहां से कोई वोट कटने वाली है नहीं। गठबंधन सारे प्रत्याशी सारे कैंडिडेट हिंदू भाइयों को उतार दो, सारा मुसलमान उन्हें सारा उसे वोट देगा जी। नौजवानों के लिए जी कोई भी काम नहीं करा, ऐसे ही भटकते फिर रहा है जी, कोई कहीं कोई कहीं, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ नौजवानों के लिए। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बुढ़ाना विधानसभा सीट पर, और बुढ़ाना विधानसभा सीट के गांव हैं कसेरवा, जहां पर अधिकतर मुस्लिम किसान है, मजदूर है, हर तबके का व्यक्ति है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन्हीं चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग गांव-गांव जाके बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस बार चुनावी मुद्दे रहेंगे, लोगों के, किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे, मजदूरों के क्या मुद्दे रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से देख रही है चुनाव को, क्या इस बार सरकार किसकी बनेगी, ये जानना, लोगों का रुझान किधर है, इसी बात को हम जानते हुए आज कसेरवा गांव में पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के किसानों और मजदूरों से, इस बार चुनाव को लेकर उनका मत क्या है। जी नमस्कार जी, क्या नाम प्रधान जी आपका? मेरा नाम नूरा बालियान है जी। जी बालियान जी, ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2022 में, आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, माहौल तो मीडिया को भी मालूम है माहौल जी। सरकार जिन मुद्दों पर बनाई गई थी, आज आपने शायद योगी जी का बयान नहीं पढ़ा होगा, मैंने अभी टीवी पर देखा एक घंटा पहले, आज फिर योगी जी ने वही पुराना विलाप, पुरानी वही रागनी, पुराना वही राग शुरू कर दिया कि अयोध्या में निर्माण जारी है, अब तो अभी तो मथुरा की बारी है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी था और भारतीय जनता पार्टी सरकार से, क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर, जातिवाद के मुद्दों को लेकर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लेकर, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को लेकर, क्या सरकार इन्हीं पर काम करना चाहती है, इन्हीं हिंदू मुसलमान को आपस में बांट कर क्या इसी पर काम करना चाहती है? क्या सरकार को गांव-गांव में जाकर सरकार ने देखा है कि कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग परेशान हैं, किसान की जो आय दुगनी करने की बात सरकार ने कही थी, अभी मैं तोमर साहब का, कृषि मंत्री जी का एक बयान पढ़कर आया हूँ मैंने, तो तोमर जी कह रहे हैं लोकसभा में कि किसानों की तो यहाँ पर शहादत ही नहीं हुई, जो बॉर्डरों पर 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, तो तोमर जी ने साफ कह दिया कि किसानों की बॉर्डरों पर कोई शहादत ही नहीं हुई, जबकि 750 किसान उन्होंने शहादत दे दी, और हजारों मुकदमे, कई हजार मुकदमे किसानों के सर पर है। और परसों ही बॉर्डर से आया हूँ, करीब 12 महीने से वहीं पर हूँ, मेरे गांव के लोगों ने एक अच्छी टीम, गांव कसेरवा की तरफ से बॉर्डर पर रह रही है, करीब 20-25 लोगों की, कभी 100 भी हो जाते हैं, कभी 200 भी हो जाते हैं, लेकिन सरकार क्या इन्हीं मुद्दों पर हिंदू मुसलमान को बांट कर और मुसलमानों के अंदर दहशतगर्दी का माहौल पैदा करके, और क्या हिंदू भाइयों को इसी मुद्दे पर राजी करना चाहती है कि हम तो अब मथुरा की ईदगाह गिराएंगे, अभी अयोध्या में निर्माण जारी है और अब मथुरा की बारी है। जनता किस तरह से समझ रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले इतने सालों से यही चल रहा है सरकार द्वारा, जनता अब 2022 में चुनाव है, किस तरीके से इन ये चीज़ें समझ रही है? नहीं, जनता ये सारी बात अब समझ चुकी है, जनता खूब जान चुकी है, और जनता सोच भी चुकी है कि सरकार के पास सिवाय इस मुद्दे के, सिवाय हिंदू मुस्लिम पर बात करने के, मंदिर मस्जिद पर बात करने के, मदरसों पर और आतंकवाद पर बात करने, और सरकार के पास कुछ है नहीं, सरकार इन मुद्दों पर क्या। लेकिन हिंदू भाई भी, मैं कहना चाहता हूँ, समझ चुका है, पूरे देश का हिंदू समझ चुका है, और हिंदू भाई अब सरकार के बहकाव में आने वाला नहीं है। हिंदू भाई भी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, सरकार को पूरा उत्तर प्रदेश बदलना चाहता है। 2013 के बाद एक अलग माहौल उत्तर प्रदेश का बना था, एक दीवार सी नज़र आती थी लोगों के बीच में खड़ी हुई, अभी फिर चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो दीवार आपको गिरते नजर आती है या नहीं? खत्म कर दी, अब किस तरह का गठबंधन ने खत्म कर दी, यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं जी, सबको पता लग गया, सब हिंदू मुस्लिम
सिक्की साहब सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सबको पता लग गया अब कोई झगड़ा करने वाला नहीं, ना झगड़ा होने वाला, ना कोई बहकावे मारने वाला, ना किसी के कोई बहकावे नहीं, सब आदमी प्यार मोहब्बत से रहना, सब आदमी ये चाह रहे कि सब एक दूसरे से और अपना भाई काम करे। रिजवान भाई, आप नौजवान हैं, आपको क्या लगता है कि अभी चुनाव भी है, किस तरह से आप देख रहे हैं नौजवान किस तरफ जा रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में? नौजवानों की जो एज निकल गई जी, जो इंटर बार भी कर रखी थी, पढ़े लिखे बीटेक एमए थे, वे सब ऐसे ही बेरोजगार फिर रहे जी, काम नहीं है नौजवानों के लिए। तो पिछले 4 सालों में आपको लगता है सरकार ने काम किया है नौजवानों नौजवानों के लिए जी? कोई भी काम नहीं करा, ऐसे ही भटकते फिर रहा है जी, कोई कहीं कोई कहीं, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ नौजवानों के लिए। तो रोजगार पैदा हुए या नहीं? नहीं जी, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो आपको लगता है कि इस सरकार ने इस तरह के रोजगार के अवसर दिए? रोजगारी ने कोई भर्ती नहीं निकाली, कोई रोजगारी नहीं, जो भर्ती निकलती है वो रद्द हो जाती है, कोई भी भर्ती भी तो नहीं निकाली। मैं मेरी खुद एक्सपायर हो चुकी है, डेट एक्सपायर हो चुकी है। आपकी नज़र में कुछ काम सरकार के या किए हो इस तरह से कि जनता के हक में पिछले 4 सालों में? कुछ नहीं कराई, ये तो सिर्फ लॉकडाउन और नोटबंदी और ये कोरोना और इसी में उन्होंने टाइम गवा दिया। सारा देश प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। और मैं वो एक बात और बता दूं भाई साहब, ये जो 3 कृषि कानून लाए ने, ये तो पहले इनकी सेटिंग हो चुकी थी। कृषि कानून आए नहीं गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में इतने बड़े बड़े भंडारण करने के लिए इतने बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए अडानी ने और अंबानी, क्योंकि उन्हें पता था सरकार से सौदा हो गया था, तो इस सरकार को ये तो लोग चला रहे। आज अडानी जो दूसरे तीसरे नंबर का इतना बड़ा उद्योगपति है, अब से 10 साल पहले गुजरात दंगे के दौरान 4 दुकानें चलाता था गुजरात के अंदर, लेकिन उन्हें दंगे में गोधरा कांड में मतलब जो है ना साथ दिया था और गलत काम किए थे मोदी जी ने, इसलिए से नज़दीक लगा। आज जो गुजरात के बंदरगाहों पे अगर 100 ग्राम और 50 ग्राम मादक पदार्थ के कारण, अभी आपने देखा होगा उसका शाहरुख खान का लड़का कितने दिन जेल में रहा, जो 3000 किलो उसके गुजरात के बंदरगाहों पे पकड़े हैं, वो किसकी थी पता सरकार को? अडानी की थी, कोई भी जांच नहीं बैठी, कोई भी समिति नहीं बैठी। ये दोहरी मानसिकता क्यों भारत में? भारत में दोहरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ला दी। देश में लॉकडाउन रहा, कोरोना आया, आपको लगता है कि सरकार उस व्यवस्था को संभाल पाई या स्वास्थ्य के नजर से वो व्यवस्था ही कर पाई जनता? नहीं जी, गरीब आदमी का तो जो है अगर लॉकडाउन आया तो उसमें जो अगर पैसा जमा भी करा, वो पैसा ही नहीं मिला टाइम पे, वो पैसा टाइम पर नहीं मिला, वो पैसा भी नेताओं को राजनीति जो इन लोगों के मंत्री ये लोग थे इन्हीं को पैसा मिला, किसी को पैसा नहीं मिला, उनको टाइम पे मिला। हम लोग चले गए सुबह लगे लाइन में, शाम को आ गए अगले दिन खत्म हो गया, बहुत परेशान हो गया। लॉकडाउन में तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई, सामान ही नहीं मिला, बाहर ही नहीं निकला आदमी, रोजगार ही नहीं था, तो क्या कर दे। नहीं, कितनी महंगाई है, अगर किसी भी आदमी जो घर में इस्तेमाल करने की चीज़ है, नमक मिर्च से लेकर सरसों के तेल तक, अगर किसान या मजदूर, जम सब मजदूरी छोटे किसान हैं और मजदूर तबके के लोग हैं हम लोग, तो 200 रुपये किलो आज सरसों का तेल है। अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 2 गुने भाव है, अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो 4 गुने रेट पर है, क्या करेगी जनता? इस सरकार को सिवाय बदलने के और कोई इलाज नहीं। हिंदू मुसलमानों ने इरादा कर लिया कि इस सरकार को बदलनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री न रहकर एक पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होकर है, अभी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि जो हाली सरकार है, मौजूदा सरकार है, जनता के हक में काम किए हो कुछ, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ऐसा आपको लगता है? जी, मेरी नज़रों में कोई ऐसा लगता नहीं। और जो हमारे गांव में गरीब लोग थे, हरिजन लोग थे, वे काम करने नहीं बैठे, उन कामों को तो हम करने पड़ने लगे, अपना काम वापस संभाल लिया, वे उन्हें यहाँ जब मजदूरी नहीं मिलती, वो गांव में से भी छोड़ कर कहीं मजदूरी करने के लिए चले गए, गरीब लोग के तबके के लोग। और मेरे हिसाब से तो लोकदल भी दोनों में चली हुई थी, समाजवादी भी, जब से चौधरी साहब ने धरना धरा, किसान यूनियन जो लोग दिल से संबंध करे, चौधरी साहब से के हिसाब से बस पूरा मुजफ्फरनगर, हमारा गांव तो पूरा पूरा जुड़िएगा आज ही, यहाँ से कोई वोट कटने वाली है नहीं, जो चौधरी साहब की बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गठबंधन भी हो रहा है, अलग अलग पार्टियां भी आ रही है,
उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब भी कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, तो जो मुस्लिम तबका है, एक मुस्लिम किसान है चाहे मजदूर है, क्या उनका असर पड़ेगा चुनाव? अजी ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य अतिथि, वो तो पश्चिम बंगाल की तरह चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की तरह हम तो हाथ जोड़े, कोई भी मुसलमान हम नहीं वोट देने का, बिल्कुल भी। गठबंधन सारे प्रत्याशी सारे कैंडिडेट हिंदू भाइयों को उतार दो, सारा मुसलमान उन्हें वोट देगा जी। हमारे देनी होगी, मुसलमान को टिकट नहीं दिया सानी बिल्कुल भी, सैकुलर लोगों को वोट देगा और भी लोगों को वोट देगा जैसे भारतीय जनता पार्टी और आने का। और यहाँ तो जयंत चौधरी के आदमी बैठे पश्चिम में, तो सारे जयंत को वोट देंगे वो, टिकेट साहब के परिवार के लोग है, कसेरवार किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग है, और जो जो गाँव भी किसान यूनियन के है, बाबा टिकेत का, महेंद्र सिंह टिकेत का, जब वे 8 साल के थे जो पगड़ी बांधी थी पहली, तो कसेरवे की जिम्मेदारी। आज हम बुढ़ाना विधानसभा सीट पर थे और यहाँ पर हमने किसानों से बात की और किसानों से जाना कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या है, किसको लेकर वो वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं। और इसी के साथ किसानों का कहना है कि किसानों के गाँव में पिछले 4 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है और इस बार वो सरकार बदलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनावी माहौल जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से। धन्यवाद। चलिए भाई।